हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा वीडियो देखते रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सब अपने घर में खुश रहे, मस्त रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सब पे बने रहे। और आप सबकी पूजा कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हैप्पी दिवाली, बाय बाय। अरे देखिए फ्रेंड, आर्या रंगोली बनाई है, ये देखिए। हेलो फैमिली, आज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बहुत मेहनत से खुद से साड़ी पहने हूँ। एक आध को रिश्ता भेजिएगा आप लोग। नहीं, रिश्ता अभी नहीं चाहिए, अभी ऐसे ही ठीक है। लड़की पसंद है तो रिश्ता जरूर भेजिएगा। कोई तो पसंद कर ही लेगा, होगा ही कोई शायद। चलो नीचे पटाखा फोड़ने, चलो चलो, हमको चलने भी नहीं आ। और फ्रेंड, मेरा पूजा हो गया, एक साधारण सा पूजा। मुझे कुछ मुझे हाईफाई नहीं करना था, ऐसे ऐसे ही। वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं पूजा कैसे की हूँ। कुछ नहीं ताम झाम कुछ नहीं था, बस एक साधारण सा पूजा था। मतलब समझिए कि माँ का जो कहिए, अब क्या पूजा, कमाने वाले ही नहीं है तो लक्ष्मी माता आएंगी कहाँ से। तो फिर भी एक छोटा सा पूजा मैं करती हूँ, जितना मुझसे बना उतना मैं की। हरिया का रंगोली आप लोग देख ही लिए, और चलिए आगे कुछ और दिखाती हूँ क्या क्या सब बच्चे लोग कर रहे हैं। सब बच्चे व्यस्त है, पूरा ऊपर नीचे करते करते सब परेशान परेशान हो गए हैं। और तो चलिए पहले दिखाते हैं आप लोग को बच्चे लोग, उसके बाद हाँ चलो ना चलो। और हाँ, आप लोग को बताते हूँ आज क्या था मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड, आज ही के दिन मेरा जन्मदिन था, तो रुद्र बोला कि माँ तुम केक नहीं काटोगी। तो मैं बोली कि नहीं बेटा, मैं केक नहीं काटूंगी, बुढ़ापे में कोई जन्मदिन मनाता है क्या? तो मुझे बोला कि अभी तो तुम बूढ़ी नहीं हुई हो, अभी तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, सिर्फ पीछे थोड़ा सा बाल पक गया है। फ्रेंड, मेरा पीछे का थोड़ा सा बाल सफ़ेद हो गया। तो वही रुद्र मुझे बता रहा था कि अभी तुम बूढ़ी नहीं हुई हो क्योंकि तुम्हारा बाल नहीं पका है। अच्छा चलो ना चलते हैं। तो फ्रेंड, मैं बोली कि ठीक है, ओके, तुम बड़े होगे, पढ़ लिख के कमाओगे, तुम केक लाओगे, उसी दिन मैं केक काटूंगी। और मैं गलत बोली या सही बोली आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं सही बोली या गलत। अब तो बस बच्चे लोग के सहारे ही चलना है, बच्चे लोग के मतलब क्या बोलते हैं, इंतजार में ही एक एक दिन बिताना है, बच्चे कब बड़े होंगे, क्योंकि अब तो कोई इंतजार रहा नहीं। बस इसी इंतजार में मैं भी रहती हूँ कि बच्चे कब बड़े होंगे, बच्चे कब बड़े होंगे, देखिए कब बड़े होंगे, क्योंकि ऐसे एकदम अकेला फील होता है। ऐसा नहीं है साथ में सब है, फिर भी लगता है कि हम अकेले हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। सबके साथ रह के फ्रेंड मैं अकेला महसूस करती हूँ।
चलिए ऊपर दिखाते हैं सब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं देखिए, फ्रेंड बच्चे कितने खुश हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओए जाने तो नहीं फेंकना, पूरा शहर सजा हुआ है। देखिए नहीं ये हमसे नहीं होगा बेटा। ओने जाके पोरो, एने नहीं पोरो। पूरा शहर सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं नीचे, बच्चे लोग पटाखा फोड़ने के लिए बुला रहे हैं, फोड़ने के लिए नहीं देखने के लिए। तो हम सब जा रहे हैं। आओ चलो, ए चलना है तुमको, कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अरे देखिए ये गुंजा का रूम है सजाया हुआ, देख लीजिए आप लोग भी। इधर पूजा की थी और ये देखिए दिखा। हाँ तो चलते हैं। तो जा रही हो कहाँ तुम लोग? कहाँ से कहाँ जा रहे? हाँ माचिस, इतना ऊपर की जाते दिया है ना, दिया से जला ना, उसको हाथ में लेके थोड़ी ना जलाया जाता है। तो यहाँ का लाइट नहीं जल रहा है, ये रे लाइट है। देखिए अंधेरा लग रहा है, कुछ देख ही नहीं रहा है। पता नहीं, नहीं पता क्या। अरे फ्रेंड मेरा गाड़ी यहाँ भी मैं दिया जला दी थी। अरे सब लोग देखिए पटाखा फोड़ने के लिए खड़े हैं। ये जी आप गाड़ी आप देख भी नहीं रहे ऊपर बालकनी में, इधर लाइट लाइट है कि पापा पटाखा।